370 का रूहानी रिश्ता था जम्मू कश्मीर और इंडिया के बाकी लोगों के साथ। एनसी वो जमात है जिनने यहाँ पे एक्सेशन कराया, फिर बाद में वो अपना माइंड चेंज किया 1987 इलेक्शन की रिगिंग की। तो व्हाट अकाउंटेबिलिटी विल दे सीक फ्रॉम अस, व्हाट डज रिजर्वेशन हैव टू डू विद अस। महबूबा जी ने बहुत क्लियरली बोला कि रिजर्वेशन शुड नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट शुड बी डन इन एन इक्विटेबल मैनर। अब एनसी के लोग फ्रस्ट्रेट हैं, उनके जो है पहले 2 महीने पहले कहते थे मैं पियोन भी नहीं ट्रांसफर कर सकता, अब दो दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नर्वस है। तो मेरी आपसे मीडिया वालों से इल्तिजा है, उनको तंग नहीं करिए, उनको टेंशन है क्योंकि गांदरबल और बड़गाम दोनों से इंशाल्लाह वो हारेंगे। एक बात बताइए, आपको याद है जब उमर साहब ने अपना करियर स्टार्ट किया, उनको किसी ने मजबूरी की थी कि एनडीए में जाके वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पकड़े? उनने सोच साहब को क्यों निकाला एनसी से? क्योंकि सोच साहब ने एनडीए बीजेपी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट किया। तो जिनके घर शीशे के बने हैं वो दूसरों पे पत्थर ना मारे। 1987 में जब एनसी ने दांगली की, इलेक्शन छीना उनने, सैयद सलाउद्दीन तब बना, राइट? तो आज हम ऐसा क्यों करें? ये जमहूरियत है, जितनी तंजीमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जितने लोग, मैं वैसी नहीं हूं कि कोई मेरा वोट काटेगा तो मैं कहूंगी ये हराम है मैं हलाल हूं।